ढोल नगर एक बहुत ही सुंदर गांव था और वहां के लोग भी बहुत अच्छे थे। एक दिन ढोल नगर में एक साधु बाबा आए। आते ही उनकी मुलाकात मिठू महाराज से हुई। प्रणाम साधु बाबा, हमारे इस नन्हे से गांव में आपका स्वागत है। सदा सुखी रहो मिठू महाराज। फिर साधु बाबा गांव के अंदर चले गए। लेकिन कुछ ही देर बाद साधु बाबा गांव से बाहर आ गए और वो थोड़े परेशान लग रहे थे। साधु बाबा को परेशान देख मिठू महाराज उनके पास गए और उनसे पूछा, क्या हुआ बाबा जी, आप क्यों परेशान हो? साधु बाबा बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। क्या हुआ बाबा, अब क्यों रो रहे हो, कुछ तो बताओ। मैं थक गया था इसलिए गांव में एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा, लेकिन तभी एक बुढ़िया आई और डंडे मार मार कर मुझे वहां से भगा दिया। अच्छा तो ये बात है, वो पक्का कमलाबाई होगी। कौन कमलाबाई, तुम किसकी बात कर रहे हो? इस गांव में कमलाबाई नाम की एक बुढ़िया रहती है। उसके पास बहुत सारे धन दौलत हैं, लेकिन फिर भी वो कभी किसी की मदद नहीं करती। और तो और, यदि कोई उसके घर के आसपास जाता है तो वो उसे मारकर भगा देती है। एक बार मुझे भी बहुत मारा था उसने। मेरे पास एक उपाय है, इससे कमलाबाई का भी भला हो जाएगा और हम दोनों का बदला भी पूरा हो जाएगा। क्या उपाय है, मुझे भी बताओ। हम दोनों मिलकर कमलाबाई को डराएंगे और कमलाबाई से कहेंगे कि वो लोगों की मदद करे और अच्छे काम करे। हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम कमलाबाई को कैसे डराएंगे? हम उसे नहीं डराएंगे, उसे चंद्रमुखी भूतनी डराएगी। लेकिन बाबा जी, कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रमुखी कमलाबाई से पिटकर चंद्रदुखी बन जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे साथ आओ। साधु बाबा और मिठू महाराज दोनों चंद्रमुखी के पास गए। हमारे इस भूत खाने में आपका स्वागत है। कहो बाबा, कैसे आना हुआ और ये कार्टून कौन है? ए, चुड़ैल से सकल की भूतनी, मैं कार्टून नहीं, मिठू महाराज हूँ। मिठू महाराज बड़ा बदतमीज तोता है। भूत बहन, हमें आपकी मदद चाहिए। कमलाबाई नाम की एक बुढ़िया ने सारे गांव वालों के नाक में दम कर रखे हैं और हम चाहते हैं कि आप उसे डराओ और उसे सबक सिखाओ। ठीक है, काम हो जाएगा। आधी रात को जब सब लोग सो रहे होंगे तो तुम दोनों मुझे गांव के बाहर मिलना, मैं आऊंगी और कमलाबाई को डरा दूंगी। साधु बाबा और मिठू महाराज दोनों एक पेड़ के पीछे छिप गए और भूतनी को आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में रात हो गई और सारे गांव वाले अपने अपने घरों में चले गए। बाबा, वो भूतनी अभी तक आई क्यों नहीं? ये लो, नाम लिया और भूतनी हाजिर। हाँ बाबा, अब चंद्रमुखी दिखाएगी अपना जलवा और निकाल देगी सबका हलवा। इतना कहकर चंद्रमुखी भूतनी कमलाबाई के घर के पास गई और नाचने लगी। भूतनी के पायलों की आवाज सुनकर कमलाबाई की नींद खुल गई। कमलाबाई को बहुत गुस्सा आया, उसने अपना डंडा उठाया और घर से बाहर आई। कमलाबाई की नजर जैसे ही भूतनी पर पड़ी तो वो डर गई और उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। सुबह होते ही कमलाबाई गांव वालों के पास गई
और उनसे मदद मांगने लगी। कल रात मेरे घर भूतनी आई थी, मेरी मदद करो। एक भूतनी मेरे घर के बाहर नाच रही थी, मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। कमलाबाई के स्वभाव के कारण किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। कमलाबाई बहुत डर गई थी, इसलिए शाम होते ही वो अपने घर के अंदर चली गई। जैसे ही रात हुई, भूतनी फिर से आ गई और नाचने लगी। भूतनी के पायलों की आवाज सुनकर कमलाबाई बहुत डर गई और वो डर के मारे कांपने लगी। भूतनी के जाते ही कमलाबाई घर से बाहर आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे घर भूतनी आई थी, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्योंकि कमलाबाई कभी किसी की मदद नहीं करती थी, इसलिए कमलाबाई की मदद के लिए भी कोई नहीं आया। भूतनी रोज रात को आती और थोड़ी देर नाचने के बाद गायब हो जाती। कमलाबाई डर के मारे सारी रात जागती रहती और सुबह होते ही लोगों के पास मदद के लिए जाती, लेकिन कोई भी उसका मदद नहीं करता। एक दिन कमलाबाई अपने घर के बाहर बैठकर रो रही थी और लोगों से मदद के लिए गुहार लगा रही थी। मैं बहुत परेशान हूँ, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे उस भूतनी से बचाओ। साधु बाबा और मिठू महाराज दोनों कमलाबाई को देख रहे थे और जब किसी ने भी कमलाबाई की मदद नहीं की तो दोनों उसके पास गए और उससे बोला, देखो कमलाबाई, आज तुम्हारे इस कठोर स्वभाव ने तुम्हें कितना अकेला कर दिया। तुम्हारे पास इतने सारे धन दौलत होते हुए भी तुम आज अकेली हो, तुम्हारी कोई मदद नहीं करने आ रहा। तुम परेशान हो, बेबस हो, लाचार हो, लोगों से मदद की भीख मांग रही हो, लेकिन फिर भी कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम खुद को बदल लो, अपने स्वभाव को बदल लो और एक अच्छे इंसान बन जाओ, लोगों की मदद करो, और यदि हो सके तो हमें माफ़ कर देना, क्योंकि हम दोनों ने ही मिलकर उस भूतनी से ऐसा करने के लिए कहा था। वो भूतनी हमारे कहने पर ही तुम्हारे पास आई थी। हम दोनों चाहते थे कि तुम एक अच्छी इंसान बन जाओ और लोगों की मदद करो। कमलाबाई अब सबक सीख गई थी और वो सबकी मदद करने लगी थी। वो एक अच्छी इंसान बन गई थी। हे लेजेंड्स, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट करो और हमें भी बताओ।